पंकज जानना ये चाहेंगे कि रोपवे का निर्माण कहाँ तक हुआ है, क्योंकि एक भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहाँ जो भी है उनके लिए कि रोजगार एक बड़ा यहाँ पर रहा है मुद्दा, और सबसे बड़ी बात है कि उनका रोजगार छिन जाएगा और यही मांग है। लेकिन जानना ये चाहेंगे बीच का रास्ता अब क्या निकाला जाएगा, क्योंकि लगातार आज चौथा दिन हो गया है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पंकज से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि आप देखिए वहां पर माहौल तनावपूर्ण है, और आपने रिएक्शन भी सुना वहां जो भी पालकी वाले, उनका कहना है कि देखिए रोजगार हमारे लिए छिन रहा है तो हम क्या करें। चार दिन हो गया है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पत्थरबाजी भी की गई है, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर भी पत्थर बरसाए, और आपको बता दें रोपवे निर्माण को लेकर ये विरोध किया जा रहा है, और उनका कहना है कि इस रोपवे का जब निर्माण हो जाएगा जो भी श्रद्धालु आएंगे तो वो घोड़ा पिट्ठू जो लेते थे पालकी लेते थे उनके रोजगार छिन जाएंगे, आखिर वो कहां जाए। और उनकी ये मांग है कि अगर रोपवे का निर्माण होता है तो 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर विरोध की तस्वीरें जरूर सामने आ रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए ये कटरा का मुख्य बाजार है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो प्रदर्शन है आज चौथा दिन है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जो बंद की काल थी, जो स्ट्राइक की काल थी वो 72 घंटे की थी, लेकिन अब जो काल है 24 घंटे और बढ़ा दी गई है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए ये घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं, और इनके साथ जो दुकानदार हैं, जो बाणगंगा से और चरण पादुका के बीच जो दुकानदार हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी यही मांग है कि यहाँ पर हम रोपवे नहीं लगने देंगे, क्योंकि इसके खिलाफ है, इनकी रोजी रोटी पर जो संकट है वो गरमा रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनकी मांग है, ये प्रदर्शन और कितना लंबा चलेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। ये प्रदर्शन उग्र क्यों हो गया, आपने क्यों इतना पथराव किया, किसने किया पथराव? हमने देखा कि आप ही के लोग थे जिन्होंने गाड़ियों में, हमने तो देखा नहीं है, हमने मांग रखी है, देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। बात हुई आपकी श्राइन बोर्ड से किसी अधिकारी से? आपके माध्यम से भेज दिया मैसेज। ये देखिए यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार यहाँ पर श्राइन बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और इनके समर्थन में आपको बता दें कि जो स्थानीय दुकानदार हैं वो भी हैं, लेकिन इनकी ये मांग है कि इन्हें 20-20 लाख का मुआवजा चाहिए, क्योंकि अगर कटरा से भवन तक रोपवे लगेगा इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा, और ये चाहते हैं कि रोपवे जो है अगर लगना है हमें मुआवजा दिया जाए, जो रोपवे है वो पारंपरिक मार्ग यानी पुराने मार्ग पर लगना चाहिए, ये इनकी मांग है, क्योंकि चरण पादुका बाणगंगा अर्धकुंवारी जो है वो इस रूट से आती है यानी पुराने मार्ग से आती है, जब ताराकोट मार्ग से गंडोला लगेगा रोपवे लगेगा तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। क्या काम करते हैं आप? घोड़े का सर। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रोपवे लगा रहे हैं सर, हमारा रोजगार छीना जा रहा है, या हमारे को 20-20 लाख रुपया दे या हम रोपवे को बंद करें, तो इतना हमारा धरना है। आप क्या करते हैं? हम भी यही कहते हैं सर, हम भी पिट्ठू का काम करते हैं, या तो हमको 20-20 लाख रुपए चाहिए या तो रोप बंद हो जाएगा। आप क्या करते हैं? हम कुछ मेहमान, हमने सब कुछ बता रखा है सर साहब। ये देखिए यहाँ पर घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट सब पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे नेता इसे लीड कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, दुकानदार बेरोजगार हो रहे हैं, और माता की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये चीज हम कतई भी नहीं होने देंगे। जय हिंद जय भारत और जय माता की जय घोषों के साथ सुबह 7 बजे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें अगर अपना लहू देना पड़ेगा वो भी देने को तैयार। ये देखिए लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन की भी बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आप क्या काम करते हो? पालकी का काम करते हैं। पालकी का काम करते हो, प्रोटेस्ट हो रहा है रोपवे के खिलाफ है आप? जी जी रुपए के खिलाफ है सर। ये हमारी रोजी छीन रहे हैं, इस चीज का पता नहीं है सर, हमारा राजा जी से पता होगा सर, इस चीज का हमें कोई पता नहीं, कोई इश्यूज नहीं हमें, पर इस चीज का कंप्लेंट कोई नहीं है, हमने हमारा एक लीटर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इतने बेरुजगार, इतने मजदूर वहाँ यहाँ कटरा वैष्णो देवी से बेरोजगार हो रहे हैं, 20 लाख लोग हैं, उसके बाद हमारा जो काम यहाँ से खत्म हो रहा है, हमारे बच्चे यहाँ से पल रहे हैं, हम पल रहे हैं यहाँ से, आज अगर ये काम बंद हो रहा है तो हम कहा
कहाँ जाएंगे हम बच्चे अपने कहाँ से हम लोग छोटे छोटे बच्चे हमको घर में वो पढ़ाई स्कूल में पढ़ रहे हैं हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके इस टाइम हमारे रोजी रोटी छीन रहे सर हमको मारने देखिए रोजी रोटी का संकट जो है वो गरमा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में है क्योंकि कटरा में गोड़ा पिट्ठू पालकी वाले जो हैं उनकी तादाद बेहद ज्यादा है। उनको चिंता इस बात को लेकर है कि अगर ताराकोट मार्ग से शानिशाह तक रोके लगेगा तो इन लोगों का क्या होगा। ये चाहते हैं कि इन्हें 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए नहीं तो हम रोपे नहीं लगने देंगे। लेकिन इनके प्रदर्शन से सीधे तौर पर जो परेशानी हो रही है वो श्रद्धालुओं को हो रही है जो देश विदेश से आते हैं क्योंकि ना उन्हें घोड़ा मिल रहा है ना उन्हें पिट्ठू मिल रहा है ना उन्हें पालकी मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर चाकचौबंद किया गया है। बेहद ज्यादा तादाद में जो सुरक्षा कर्मी है उनकी यहां पर तैनाती की गई है। तस्वीरें हम आपको फिर दिखाएंगे। देखिए ये वही रूट है जब प्रदर्शनकारी यहां से गुजर रहे थे विरोध प्रदर्शन के लिए एक रोष रैली निकालने के लिए प्रदर्शन जो है ये उग्र हो जाता है। इस दौरान जो प्रदर्शनकारी है वो सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाते हैं ईंटें बरसाते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर जो हैं बेहद ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंचे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन उग्र ना करने दिया जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर जो पथराव है जो ईंटें हैं वो बेहद ज्यादा फेंकी गई है गाड़ियों में नुकसान हुआ है लेकिन जो यहां पर श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब यहां पर बेहद ज्यादा संख्या में जो सुरक्षाकर्मी है उनकी यहां पर तैनाती की गई है। मकसद यही है कि प्रदर्शनकारियों को उनका प्रदर्शन उग्र ना होने दें। जी ये चाहेंगे कि ये जो भारी आक्रोश देखा जा रहा है वहां पर अब श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही होगी। अब देखना होगा बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।